हामिद मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ज़ाहिर सैलाब ज़दा इलाकों में गए, मुख्तलिफ सूबों में गए, आपने जो तफसीलात देखी हैं, क्या हमारी सियासी क़यादत को एहसास है इस तबाही का? और तबाही, क्योंकि आप 2010 में भी गए थे, किस मैग्नीट्यूड की है? 3.75 करोड़ आवाम अगर अभी मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसने फैलना है, एक बहरान आना है बीमारियों की सूरत में, खुराक की सूरत में, इसलिए फोकस इस पर होना चाहिए जो आप देख कर आए हैं? यादव साहब, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसको अभी तक ना तो एहसास है और ना ही उनको पता है कि तबाही का मैग्नीट्यूड क्या है। और शायद उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत के इदारे हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि वो इसको रिपोर्ट कर सकें। रिलीफ तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इसको अभी तक रिपोर्ट भी सही नहीं किया। मैंने क्योंकि सखर के से आगे खैरपुर और उसके आगे भी बहुत से इलाकों में गया, उसके बाद फिर क्योंकि सखर का एयरपोर्ट जो है पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे फ्लाइट्स नहीं चल रही, तो मुझे सखर से वापस आना पड़ा बाय रोड। मैं वहाँ से गया राजनपुर, राजनपुर से डीजी खान, डीजी खान से फिर मैं इस्लामाबाद वापस आया हूँ बाई रोड। तो मैंने पूरा ये इलाका बाई रोड देखा है। आप यकीन करें कि सखर से लेके और डीजी खान तक जो सड़कें हैं दोनों तरफ पानी में डूबी हुई हैं, सरकारी दफातर दोनों तरफ पानी में डूबे हुए हैं, गांव के गांव दोनों तरफ पानी में डूबे हुए हैं। और मैं जिस भी गांव में गया हूं, मैंने जिस भी आदमी से बात किया कि आपके पास कोई हुकूमत का नुमाइंदा आया, वो कहते हैं जी हमारे पास कोई नहीं आया। ये सिर्फ जो रिपोर्ट हुई है, ये जो आप भी फिगर दे रहे हैं 3 करोड़ की, और आज मैं चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे जी मीडिया पैनिक ना पिलाए। भाई अभी तो मीडिया जो है वो सारी जगहों पर पहुंचा ही नहीं है, जो मुतासर इलाके हैं अभी तक तो मीडिया की पहुंच में ही नहीं आए, तो आप कह रहे हैं कि हम पैनिक ना फैलाएं, हम तो अभी पहुंच ही नहीं पा रहे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मीडिया की भी कैपेसिटी नहीं है कि ये सारे का सारा जो ये क्राइसिस है, ये जो ट्रेजेडी है, इसको कवर कर सके। तो जो हुकूमत के फिगर्स हैं मैं तो उनको नहीं मानता। मेरे ख्याल से जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा है। बेघर अफराद जो है उनके बारे में जो हुकूमत का फिगर है वो बिल्कुल गलत है, वो उससे दोगुना है, दोगुना लोग जो है वो बेघर हुए हैं। और जो अमवात हैं मैं उसको भी नहीं मानता, मैंने खुद इतनी लाशें देखी है और वो लाशें जो हैं वो जाहिर बात है हम टीवी पे तो लाशें नहीं दिखा, बच्चों की लाशें मैंने इतनी ज़्यादा देखी हैं और वो लाशें जो हैं वो हुकूमत की फिगर में काउंटेड नहीं है। हुकूमत कह रही है जी 1300 के करीब लोग जो हैं वो अभी तक मारे गए सैलाब से, मेरे ख्याल से ये 1300 नहीं है, ये 2-2500 के करीब हैं और ज़ख्मी तो बहुत ही लातदाद है। तो ये जो अभी आप जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ तक पहुँचने में भी आपको कम अज़ कम 1-1.5 माह लगेगा, पूरी हुकूमत वहां पे नहीं पहुंच सकती। और बार बार ये मैं कह रहा हूं कि हमारी सियासी क़यादत को इसका एहसास नहीं है। इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, कभी सरगोधा में, कभी गुजरात में, उनका अपना जो 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, आप उनको चाहिए पंजाब में जाएं। परवेज लाई साहब ने आज गुजरात में जलसा किया है, मैं परवेज लाई साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डीजी खान में या वो राजनपुर में या रुझान में किसी जगह पर जाएं और जाके देखें और अपने साथ सिक्योरिटी को ना रखें, फिर देखें उनके साथ क्या होता है। चीफ मिनिस्टर केपी के अपने इलाके में मट्टा में चले जाएं, स्वात का जो इलाका मट्टा है, महमूद खान साहब सिक्योरिटी को अपने साथ ना रखें, फिर देखें उनके साथ क्या होता है। मुराद अली शाह साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिंध में, अपने साथ सिक्योरिटी को ना रखें, फिर देखें उनके साथ क्या होता है। कुतूस बदिंजो साहब जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है, नसीराबाद में चले जाएं बगैर सिक्योरिटी के, फिर देखें उनके साथ क्या होता है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो सियासतदान जिस सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, ख्वाह वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या वहाँ पे BAP की हुकूमत है, लोग इनसे खुश नहीं है और लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, लोग इनसे सख्त मायूस हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। कैसे इलेक्शन होगा? मुझे तो हैरानी होती है उन लोगों से जो कहते हैं जी पाकिस्तान के मसले का फौरी हल इलेक्शन है। आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे जब आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, रेलवे लाइनें टूटी हुई हैं, पुल टूट गए हैं, एयरपोर्ट काम नहीं कर रहे, 2 सूबों का रबता जो है वो बाकी पाकिस्तान से कटा हुआ है, आप कह रहे हैं इलेक्शन करवा दें। तो मैं तो बार बार यही कहूंगा इमरान खान साहब को भी और आसिफ जरदारी साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी कि कहीं पर जाएं और बगैर सिक्योरिटी के मुझे जाकर दिखाएं, आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे सबको।